अब फ्रेंड्स हम वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास फ्रेंड्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक रो हो और कॉलम चाहे कितने भी हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो ये हमारे पास 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है पर रो जो है वो 1 है, तो इस कंडीशन हम कहेंगे कि जो ये मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो और उसमें हम नंबर ऑफ रोज देखें और नंबर ऑफ रो अगर 1 हो, तो उस कंडीशन हम कह देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स है। और इसको हम बेसिकली 1 क्रॉस n, जो n जो है नंबर ऑफ कॉलम, 1 क्रॉस n के से पढ़ते हैं। तो 1 क्रॉस n मैट्रिक्स जो होता है वो रो मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हम कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स है उसमें अगर हमारे पास एक ही कॉलम है, रो चाहे कितने भी हो, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे हमारे पास एग्जांपल में जो दिया हुआ मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, 4 क्रॉस 1 नहीं, ये यहाँ पे मिस्टेक है, 4 क्रॉस 1 नहीं 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। तो इस कंडीशन में जैसे कि हमारे पास इसको या बेसिकली हम पढ़ना चाहें तो m क्रॉस 1 इन m जहाँ पे रोज, नंबर ऑफ रोज और 1 जो है कॉलम, m क्रॉस 1 का जो मैट्रिक्स होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा।